तो गुजरात विधानसभानी ચૂંટણીમાં ભાજપના સ્ટાર પ્રચારકો સભાઓ અને રેલી ગજાવી રહ્યા છે, ત્યારે ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સંબિત પાત્રા આજે સુરતમાં ભાજપ કાર્યાલય પહોંચ્યા હતા અને જ્યાં તેમણે મીડિયા સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું, મંત્રોચ્ચાર સાથે ઉદ્ઘાટન કરાયું હતું। ત્યારબાદ ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સંબિત પાત્રા રાહુલ ગાંધી પર પ્રહાર કર્યા। સંબિત પાત્રાએ જણાવ્યું કે કોંગ્રેસના નેતા ભૂજ રાહુલ ગાંધીને સાંભળવા તૈયાર નથી, એટલે જ ભરતસિંહ વચ્ચે ટ્રાન્સલેશન કરવાનું બંધ કર્યું। ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સંબિત પાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે હું ઓડિશાનો છું, પરંતુ મને જગન્નાથની ભૂમિ પર આવવાનો મોકો મળ્યો છે। ભારત બહાર જાઓ ત્યારે લોકો કહે છે કે ભારત ખૂબ આગળ વધી ગયું છે। ગુજરાતી લોકોનો આભાર કે જેમણે નરેન્દ્ર મોદીને નેતા અને સીએમ સુધી પહોંચાડ્યા, વિકાસની વાતોને લઈ આગળ વધ્યા છે। मैंने जब देखा वो वीडियो जो आज पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है कि राहुल गांधी जी को सुनने के लिए तो उनके कार्यकर्ता जो मंच पे उनके नेता मौजूद थे वो भी सुनना नहीं चाहते। उनके भरत सिंह सोलंकी जी ट्रांसलेशन कर रहे थे, शायद बीच में छोड़ के चले गए कि मैं ट्रांसलेशन नहीं करूंगा, अब हो गया बहुत, आप ही बोल दो जो बोलना है। जब इस प्रकार का माहौल मंच पे होता है, आप देखिएगा उस मंच पर उनके नेताओं के बीच में एक कंफ्यूजन था। मंच के ऊपर खुद उनके नेता उनकी भाषण के ट्रांसलेशन को बीच में छोड़ के जा रहे हैं, और मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी खुद कह रहे हैं, अच्छा आप नहीं करेंगे, आप छोड़ के जा रहे हैं और चले जाते हैं, बाकी नेता ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज कांग्रेस पार्टी को कोई सुनना नहीं चाहता, राहुल गांधी जी के नेतृत्व को कोई भी स्वीकार करना नहीं चाहता है। ये अपने आप में कांग्रेस किस अवस्था में गुजरात में है, किस व्यवस्था में पूरे भारतवर्ष में है, यह विषय को व्यक्त करता है। वो कोई भारत तोड़ो यात्रा कर जोड़ना तो उनसे होता नहीं है, तोड़ो यात्रा ही कर रहे हैं। और आज तो मैंने देखा महाराष्ट्र से एक न्यूज आई हुई है, ये जो कलाकार फिल्म के कलाकार इत्यादि आ रहे हैं ये भी सब प्रायोजित है, ये प्रयोजन के माध्यम से, ये स्वतः कोई कलाकार नहीं आ रहे, ये प्रायोजित है कि आप आइए उसके बदले में आपको लाभ दिया जाएगा। इस प्रकार से प्रलोभित करके कलाकारों को भी राजनीतिक क्षेत्र में उतार करके राहुल गांधी का एक हाइप बनाने की कोशिश ये किया जा रहा है।